से होंगे जनाब। आज मैं बनाने जा रहा हूँ, आजकल मौसम है भिंडी का, तो भिंडी की सब्जी बनाने जा रहा हूँ। और आपको पता है कि मैं लेके आता हूँ अपनी रेसिपीज, और बहुत ही आसान रेसिपीज लेकिन बहुत ही डिफरेंट किस्म की रेसिपीज। तो उसमें मैंने क्या किया है कि मैंने बहुत से ज़्यादा टमाटर इस्तेमाल किए हैं। जितनी क्वांटिटी में मैंने भिंडी को लिया है इतनी ही टमाटर हम यूज़ करेंगे। तो इसको मैंने नाम दिया है टमाटर भिंडी या मसालेदार भिंडी। बहुत ही ज़बरदस्त बनने वाली, बहुत ही चटपटी, खट्टी खट्टी और बहुत ही मसालेदार किस्म की भिंडी बनने वाली। तो आइए चल के देखते हैं मसालेदार भिंडी। लेकिन इससे पहले अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली अच्छी सी मज़ेदार सी रेसिपी आप मिस ना कर सकें। तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और आइए चल के देखते हैं मसालेदार भिंडी की रेसिपी। इसके लिए हमने ले लिए है 500 ग्राम भिंडी, और इसको अच्छे से धोकर हमने एक एक इंच के, ये देखिए हमने इसके टुकड़े काट लिए हैं और इसको फाइन चॉप कर लिया। और इसके साथ ही हमने टमाटर लिए हैं तकरीबन 500 ग्राम, यानी जितनी भिंडी ली है इतने ही टमाटर जाएंगे, क्योंकि ये मसाला भिंडी है तो इसमें अच्छे से मसाला बनाना है हमने, और मसाले के लिए हमें चाहिए ज़्यादा से टमाटर। प्याज हमने लिए दरमियानी साइज़ की 2 अदद, और इसको इस तरह से हमने काट लिए बारीक। इसके अलावा इसमें जाएगी हरी मिर्च 3 से 4 अदद फाइन चॉप करके, और हरा धनिया जाएगा इसमें गार्निशिंग के लिए। और साथ ही इसमें हमने अदरक का 2 इंच का टुकड़ा लिए, उसे भी बारीक चॉप कर लिए, इसमें हमने अदरक पीस के नहीं डाला। तो आइए अब रेसिपी की तरफ चलते हैं और इसे कुक करते हैं। ऑयल ले लेते हैं हम 3 से 4 चम्मच। भिंडी में ऑयल आम हांडी से थोड़ा ज़्यादा जाता है, तो इसलिए मैंने ज़्यादा ऑयल ले लिया। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब हम इसमें शामिल करेंगे प्याज। और इसको अच्छे से फ्राई करेंगे और इसे लाइट ब्राउन कर लेंगे। मसाला भिंडी है, अच्छे से मसाला बनाना है हमने, और उसके लिए हमें प्याज ज़रा अच्छी सी फ्राई हुई चाहिए। ज़्यादा हमने डार्क ब्राउन भी नहीं करनी, बस लाइट ब्राउन करेंगे, और उसके बाद हम बाकी इंग्रेडिएंट्स को ऐड करेंगे। प्याज हमारी अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे जिंजर। 2 इंच का टुकड़ा हमने फाइन चॉप करके रखा था, वो हम इसमें ऐड करेंगे अब। और इसको 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई करेंगे, ताकि बहुत ही अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे और जो ऑयल है उसमें भी इसका अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। जिंजर हमारी फ्राई हो चुकी है, अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। और इसके साथ ही इसमें जाएगा नमक 1 टीस्पून एज पर टेस्ट, सुर्ख मिर्च 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून और कुटी लाल मिर्च 1 टीस्पून। तो अच्छे से हम मिक्स करेंगे ताकि एक चटपटा सा मसाला जो है हमारा रेडी हो जाए। टमाटर के अंदर अपना एक टेस्ट होता है, इसके अंदर एक सॉल्टीपन होता है, इसके अंदर एक सोर टेस्ट भी होता है, इसमें अंदर एक यानी खट्टापन भी पाया जाता है। तो इसमें बहुत ही ज़बरदस्त सा एक मसाला बनेगा, और इस खट्टेपन की वजह से भिंडी जो है वो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटी बनेगी। इसके साथ ही इसमें जाएगी हरी मिर्च 3 से 4 अदद, इसको सेंटर से ऐसे हमने काट लिया है, और वो भी इसमें बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त टेस्ट देगी इसमें, तो हम इसमें ऐड करेंगे और इसके साथ ही फ्राई करेंगे इसको भी। मसाला हमारा बहुत ही अच्छे से रेडी हो गया है। टमाटर का
गल चुके हैं और इनका पानी भी ऑलमोस्ट ड्राई हो गया है। अब हम इसमें शामिल करेंगे भिंडी। मसाले में भिंडी को शामिल करके हम इसको 4 से 5 मिनट के लिए दम पे लगाएंगे। ज़्यादा हमने अभी चम्मच नहीं चलाना क्योंकि हमने भिंडी को फ्राई नहीं किया है और इसमें ये होगा कि ये कुक हो जाएगी। 4 से 5 मिनट के लिए अब हम इसको ढक देंगे। 5 मिनट हो चुके हैं, आइए देखते हैं हमारे भिंडी कहाँ तक पहुँची। काफ़ी हमारी भिंडी जो है वो देखिए नरम हो चुकी है और उसका कलर भी चेंज हो गया है। एक चम्मच लाएंगे अब इसमें और इसे मज़ीद हम 5 से 7 मिनट के लिए और कुक करेंगे ताकि इसमें अच्छा सा और फ्लेवर आ जाए और भिंडी हमारी और ज़्यादा क्रिस्पी और मसालेदार हो जाए। तो 5 मिनट के लिए हम और इसको दम पे लगा देंगे। आइए अब चेक करते हैं हमारी भिंडी रेडी हो गई या नहीं। जी बिल्कुल, ये हमारी भिंडी रेडी हो चुकी है। ऑयल जो है वो लैदा हो चुका है, इट मींस कि हमारा चटपटी मसालेदार भिंडी टमाटर भिंडी जो है वो रेडी हो चुकी है। तो आइए अब इसको डिश आउट करते हैं और फिर इसे मज़े ले लेके खाते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त कलर आया है और बहुत ही चटपटी भिंडी हमारी रेडी हुई है। तो इसको आप गरम गरम चपाती के साथ खाइए और एंजॉय कीजिए। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी नेक्स्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। गार्निश करेंगे इसको हम हरा धनिया से। और कुछ इसके साथ टमाटर लगाएंगे क्योंकि ये हमारी टमाटो भिंडी है, गार्निश करेंगे इसके साथ। जी जी जनाब, मज़ेदार टमाटर भिंडी रेडी है।